It's another episode of मेरी 90s की playlist and I have a brand new guest. पहली बार मेरे शो पर मृणाल दत्त, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और हाल ही में हमने देखा है his story पर. It's a show that is right now streaming on Alt Balaji and you can find it there. सत्तू है शो में, तुम भी हो. मृणाल, let's start talking about the show first. क्या दिया है his story ने तुम्हें? Yeah, first of all, thank you for having me. I'm so happy we are finally doing this. Yes, जिनको पता नहीं है, मृणाल, this is a story where there are two characters in love with each other and they're both male. इनमें से एक जो है, of course, उनकी शादी हो चुकी है, यानी कि पारिवारिक जिंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन इनका मिलना जो है आपसे होता है and you're the single one here who meets him and उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है. तो इस context में हाँ, इनफैक्ट उनका रिलेशनशिप चल रहा है. मतलब बहुत सारे ऐसे मैरिड लोग हैं, यू नो, स्पेशली होमोसेक्सुअल पीपल, जिनको जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, शादी के बाहर भी उनके रिलेशनशिप्स हैं और सोसाइटी समाज की वजह से वो दे कांट कम आउट. मतलब वो बात नहीं कर सकते हैं, टैबू है, घर पे तो सोच ही नहीं सकते हैं, फैमिली, यू नो, काम पे, इस सब पे. तो ये शो बेसिकली अबाउट दिस रिलेशनशिप. मुझे बताओ, बिफोर यू सेड यस, क्या कोई considerations थे, you know, कभी doubt हुआ कि मुझसे हो पाएगा ये romance? यार honestly मुझे लोग बहुत पूछते हैं, but मुझे ये doubt नहीं हुआ कि यार मैं gay play कर रहा हूँ, ओ मुझे एक आदमी को romance करना पड़ेगा, कि honestly बिल्कुल नहीं था. तो कहीं ना कहीं, चाहे 90s में शाहरुख की फिल्में देखी है, वो प्रोग्रामिंग थोड़ी बदल गई ड्यूरिंग ये प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, तो मुझे वो तो कभी नहीं लगा. हाँ, मुझे ये लगा कि अच्छे से होना चाहिए, इसमें चीजें नहीं होनी चाहिए फॉर द इफेक्ट ऑफ इट. इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या बात कह रहे हैं. और जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट और मुझे तनवीर ने सुनाई, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, मुझे लगा यार ये तो दो लोगों के बीच में कहानी है, प्यार की कहानी है. एंड द काइंड ऑफ लव आई एम गेटिंग इज अगेन सेंसिटिव टॉपिक, बाय द कम्युनिटी, नॉट जस्ट बाय द कम्युनिटी, हर तरीके का लोगों का प्यार मिल रहा है. और ये बोलते हैं कि यार बड़े अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर में ऐसे रोल चूज कर लिए, ये मतलब डर नहीं लगा? मुझे वो तो बिल्कुल नहीं लगा. इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड था कि ऐसा कुछ है, बस यही था कि अच्छे से हो जाए, और वो हो गया बिल्कुल. एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑन हिज स्टोरी. अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा हो तो प्लीज, इट्स स्ट्रीमिंग राइट नाउ ऑन ऑल्ट बालाजी एंड आल्सो Z5. And on Z5. So I do hope that all my wonderful listeners will go and seek this show out, because घर में बैठे बैठे अगर आपको एक अलग लव स्टोरी देखनी है, दिस इज द ऑप्शन. यू नो मृणाल, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े 90s के फैन हो. यू नो, मैं हमेशा हर गेस्ट से पूछती हूँ मेरे शो पर आने से पहले, क्या कर रहे थे तुम 90s में? लाइक, वर यू इन स्कूल? यू नो, कौन से स्कूल में थे, कहाँ परवरिश हुई, बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे? टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर लाइफ. मैं 90s में स्कूल में था. ओके, और कहाँ? दिल्ली में था. मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में मैंने पढ़ा. मैं एफओ स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ दिल्ली में, और फिर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन. और सुपर ऑब्सेस्ड विद हिंदी फिल्म्स सॉन्ग्स. मेरी माँ वाज ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान. मेरी माँ शाहरुख से 3 बार मिल चुकी है, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, कि को कब शहर में आ रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, कहाँ है, उस लेवल की. मुझे ये याद है कि ये मेरी माँ ने ना, अभी अभी हम लोग बैठ के ऐसे, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, घर में हूँ, ये पुरानी एल्बम है, और आई एम सरप्राइज्ड कि मैंने कपड़े, जूते, चश्मे लगा रखे हैं 6-6 साल, 7-7 साल की उम्र में, और फुल लाइक आई एम स्टाइल्ड. ये शो ना ऑन स्वैग वाला फोटो, अब मैं दिखाता हूँ, बात करते करते मैं ढूंढता हूँ. तो मैं, मुझे याद है, मैं मॉम को बोलता था ये ओवरकोट मुझे चाहिए, जो वो गाने में इसने ओवरकोट पहना हुआ है, ये मैं बड़ा हूंगा मेरे लिए बनेगा ना. तो शी वुड बी लाइक, या मुझे जूते, कि ये जो जूते पहने, तो मेरा चाचा ने एक बार मेरे लिए सच में बूट्स लेके भी आए. तो बड़ी सारी फोटोज कहीं ना कहीं हैं जिसमें बच्चा हूं मैं, और एक मैंने बूट्स पहने हुए प्रॉपर, मतलब ऐसे जो मैं आज भी पहन लूंगा. यार बड़े कूल बूट्स पहने हुए मैंने. तो फुल ऑन ऑब्सेस्ड, लाइक आई यूज्ड टू, मेरी माँ हिमाचल से है, तो हम जब घर जाते थे नानी के घर, तो वहां वो पेड़ वादियां वैसी होती थी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जब मैं पेड़ पे लटक के गाने गा रहा हूँ. मतलब दैट वाज अ थिंग, अंदर था, मतलब बॉलीवुड और गाने और एब्सोल्युटली, मतलब सारी, एक तो मेरी माता दिखाती थी पहले तो शाहरुख खान की वजह से, और बाकी यस आई वाज फोटो में ढूंढ रहा हूँ. कम ऑन यार, ये एडिट मत करो, जो है वो दिखा दो. आई लाइक हाउ ही इज लाइक, अपने कौन सा फोटो? एक्चुअली दो एल्बम्स थी,
एक एल्बम शायद नीचे लगी, ठीक है हम बात करते हैं, मैं दिखाऊंगा ये, मैं नीचे से मंगवा रहा हूँ. While we talk. Fantastic. Yeah. That's so nice. And also the fact that you still have photo albums, like, you know, ये कितना cool है ना, ये सिर्फ 90s के बच्चों के पास हैं photo albums. यार अभी फिलहाल she was मेरी माँ, she was in my room, मतलब चला यार वो अलमारी में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आके जरा निकाल दे, तो हमने ये निकाली और मिली. चलो मैंने फोन पे खींची थी, I hope वो फोन से दिख जाए. That'll be amazing. And of course, while we are talking about Shahrukh Khan, एक फोटो दिख रहा है, ये बच्चा पीछे चश्मा और टोपी में है, ये मेरा छोटा भाई है, और पीछे मैं दादाजी की गोद में हूँ, और पीछे वो फुल वो देवानंद टोपी और चश्मे लगे हुए हैं. You're wearing that chashma and topi, right? Yeah, that's me. That is so cool. मुझे लगा कि you were like 13 या 14, but ये तो सीधे when you were very young. हाँ हाँ, यहाँ से ही शुरू है वो 13-14 वाली भी है. हाँ, मैंने मंगाई आज. So as we talking about Shahrukh Khan, मुझे बताओ, tell me one of your favorite Shahrukh Khan films for all time. Shahrukh Khan one film would be very very difficult. Yes Boss का मेरे को yes गीत का वो आता है दिमाग में, शाहरुख नाच रहा है against style and fashion, and I used to do this school में. मैं ऐसी चीजें करता था जो allowed नहीं थी, जूते school के नहीं पहन के जाने, ठीक है. तो एक दौर आया था जब वो cool वाला वो आया था, cool वाला chain, हाथ हाथ लग गया था मेरे कहीं वो. Oh my God. और तब बाके school में भी पहना है वो I had that thing वो cool वाला जो वो I can't believe this. That was a thing. That was a thing. It really was. Yeah. It truly was. Yeah. देख, मैंने तो अंजलि का हेयरबैंड आज तक नहीं छोड़ा है. So. हाँ, I see that. In fact, हम सब बता. So tell me, शाहरुख खान, yes, big impact. लेकिन कोई और हीरो थे उस दौर में जिनके लिए, you know, that you were a fan of? Yeah, to be honest, मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ, बट कोई था ही नहीं आसपास यार. मतलब सीन वैसा था कि कोई था ही नहीं. But 90s में, I think there was a huge impact of Akshay Kumar, you know. अक्षय कुमार थोड़ा सा, हाँ, अक्षय कुमार खिलाड़ी, हाँ हाँ, वो और जब मैं थोड़ा छोटा था, खिलाड़ी, right? So खिलाड़ी, yeah. खिलाड़ी was mad. उसके high ankle जूते, उसकी वो गंजी जी, हाँ. और वो कॉलेज में जो हो रहा है दीपक तिजोरी का, वो नाक में वो डालने वाला दैट विक्स थिंग, इनहेलर जी, हाँ जी, हाँ, वही. और वो पूरी फिल्म थ्रिलर हो जाती है, शक्ति कपूर्स कैरेक्टर कम्स इन, वादा रहा सनम, लेजेंडरी सॉन्ग, मतलब वो तो आज भी गाता हूँ मैं, गाए आई विल फाइंड माई सेल्फ जस्ट लाइक गुनगुनाइंग इट समवेयर. गाते हो क्या? आई डोंट नो दिस अबाउट यू, आर यू अ सिंगर? I'm not. Who's not telling you I am? I can a little bit. I live. मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. Wow, for someone who just said कि मैं गाता नहीं हूँ, you sang so well. We started off with Shahrukh Khan and then we went to Akshay Kumar. So let's talk about like your most definitive 90s sound. अगर आप एक म्यूजिक डायरेक्टर को चुन पाते तो कौन होते, मृणाल बताओ. एआर रहमान कम्स टू माइंड. ऑफ कोर्स. जब एआर रहमान का म्यूजिक आना शुरू हुआ, आई मीन मैं बहुत छोटा था, और अभी मैं अपने म्यूजिशियन, सी आई लिव अराउंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस रोहिणी, मेरे बहुत सारे दोस्त म्यूजिशियंस हैं, और मैं, हाँ, थोड़ा बहुत गाता हूँ, मुझे शौक है, मैं थोड़ा उसको अंडरप्ले कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत शौक है. तो एआर रहमान जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके साथ भी ये हो रहा था इन देयर ओन लाइव्स वेयरएवर दे वर एट दैट पॉइंट. वो ऐसा साउंड था कि यार ये क्या है, बिल्कुल हम्मा हम्मा से लेके तू ही रे से लेके एवरी साउंड, कहना ही क्या. आई मीन आई डोंट नो इफ इवन रहमान को पता था वो क्या कर रहे हैं उस समय, बिकॉज कमाल. मतलब मैं तो चलो ठीक है सुन रहा था, और मेरे लिए ये था कि ये कुछ अलग है. मैं जब अपने म्यूजिशियन दोस्तों से सुनता हूँ, वो तो उनका तो दिमाग फट गया था. वो जो उस समय छोटे छोटे एक कैसेट लेके गाने सुनते थे, आज जो अच्छे जो आज बैकग्राउंड स्कोर्स दे रहे हैं और फिल्मों में गाने दे रहे हैं, वो लोग
तब ऑब्सेसिव थे और वो गाने सुनते थे, जब उन्होंने रहमान की ली तो वो देखो लाइक यार ये कहां से कौन और ये क्या साउंड्स है, ये क्या म्यूजिक है. If you had to pick one album, Rahman album from the 90s, दिल से में और variations हैं, मतलब दिल से में fast paced भी है, दिल से में like शादी भी है, हाँ ए अजनबी भी है और वैसे रंगीला में भी है वो सारे हवे रामा ये क्या हुआ, all of those songs. तो दिल से, I'll still take दिल से. जाने से पहले जाने जाना कौन सा होगा तुम्हारा गाना? परदेश. परदेश, my God, of course I love परदेश. ये दिल दीवाना दीवाना हाँ है ये दिल. ओहो मेरे सुनो लेगा वारी जावा क्या मतलब ये गाना, my God, I will never forget that visual of शाहरुख खान driving heartbroken in a गाड़ी. मुझे इसके बारे में बताओ. अब मतलब निकल ही नहीं रहे हैं विजुअल्स, वो तो शाहरुख खान की भाल से लेके शाहरुख खान की चाल से लेके सब कुछ, शाहरुख खान बंजी जंपिंग करते हुए वो उल्टा वो स्विंग हो रहा है. मैंने भी 2 महीने पहले बंजी जंपिंग की थी हिमाचल में, कैन यू इमेजिन, मेरे दिमाग में वो आया था. वो जो गा रहा है ना शाहरुख खान उल्टा टंगा हुआ और इट्स लाइक ऑन द हार्नेस एंड इट्स जस्ट लाइक वो वाला पार्ट जब चल रहा होता है गाने में और शाहरुख उस पर झूल रहा है, सो दैट स्टेड विद मी ड्यूरिंग दैट जंप. आई वाज लाइक मतलब वो अंदर एक बहुत ही डीपर लेवल पे इफेक्ट हो, मतलब यू नो ऑल ऑफ दो सॉन्ग्स एंड फिल्म्स हैव अफेक्टेड. अगेन वो जरा तस्वीर से निकल के सामने आया, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मतलब ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ ग्रेट साउंडट्रैक. अगेन कोई भी सॉन्ग That was, I think, the later half of 90s. 97, right? Pardesh aayi thi and 97 was a great year for music because you must remember every film by the year now, right? I do. Ye 5 saal maine ghot ke pee liya hai 90s ko and I think it's so much fun because I love interviewing you know my guests, but ek alag hi side dekhne ko milta hai unka. You know, it's such a personal journey usually. You tell me so much about yourselves and about your lives. Yeah. Thanks to the 90s. So, yes, it's going to be Pardes, which is the last pick for today on Meri 90s playlist. I wish I was driving and listening to this myself. This is just like... well, we'll play it again for you. Jab tum gaadi mein ho, tabhi mujhe batana kabhi subah ko. I'll play the song just for you. But for today, thank you so much for joining me on the show. I hope you had fun doing the show with me. It was amazing, Rooney. Thanks for having me. This felt like we finished it in 2 minutes. It felt so good. Really. It was so good. Thank you, Nihal. Right? And for your fans and for your followers, you can find Nihal on Instagram. Instagram पर कितने active हो? Do you see the comments जो तुम्हें भेजते हैं लोग? Yes, I am. Yes, if people have been writing to me, people who watch the show have been writing to me. तो आप I am there on Instagram. आप अगर show देख रहे हैं, write to me. बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है. I'm not so much on Facebook or Twitter, but Instagram is something which very somewhere you find. Instagram handle it's criminal with a criminal, which is CRIMRINAL. So that's how you follow him there. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट मनाल. थैंक यू सो मच रोहिणी, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू.